दोस्तों स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेकर। दोस्तों आज बात करेंगे महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पे। क्या बीजेपी के साथ जाएंगे शरद पवार? जब से अजीत पवार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं महाराष्ट्र में, तब से ये अटकलें काफी तेज हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस बोली, शरद पवार को बीजेपी से मंत्री पद का ऑफर मिला है। महाराष्ट्र के बीच कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है और साफ तौर पे ये देखा भी जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार कई दफ़ा सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं और मोदी जी भी मिले हैं शरद पवार से पुणे में एक मंच पे। उसके बाद से और ज़्यादा अटकलें तेज हो गई है। क्या कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को गच्चा देकर शरद पवार एक बार फिर से बीजेपी में या फिर एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है और सभी पार्टी एक दूसरे को चकमा दे रही है, अपना पावर बढ़ाने में लगी हुई है। तो इसी पे बात करेंगे दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, बहुत कम है सब्सक्राइबर। बीजेपी के साथ जाएंगे शरद पवार, ऐसी अटकलें तेज हो गई है महाराष्ट्र। अब शरद पवार भी बीजेपी का हाथ थामेंगे अजीत पवार से मुलाकात के बाद, इन ऑफर्स पर नजर। दोस्तों दो बड़े ऑफर दिए हैं बीजेपी ने शरद पवार को, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र में। फिर से बढ़ी है सियासी हलचल, चाचा शरद पवार को मनाने में जुटे हैं भतीजे अजित पवार। अजित पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, साफ तौर पर ये माना जाता है। अभी ये उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, हालांकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं और ये तब साफ हो सकता है जबकि शरद पवार उनके साथ आए, महाराष्ट्र में उनकी स्थिति और मजबूत हो। और चाचा को उन्होंने ऑफर दिया है कि उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है बीजेपी गठबंधन के सरकार में, और नीति आयोग का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। ऐसा उनको दो ऑफर मिला है, इसके बारे में खुलासा हुआ है मीडिया में और कांग्रेस पार्टी ने भी साफ तौर पर ये आरोप लगाया है शरद पवार पे। हालांकि शरद पवार का पुराना रवैया है कि वो मना कर देते हैं, पर आज तक उन्होंने अजीत पवार को पार्टी से नहीं निकाला या फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और उनके बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो सीधे जाके बीजेपी गठबंधन में मिल गए और महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि इन पर अभी कोई खास बयान नहीं आया है शरद पवार की तरफ से और शरद पवार इसे सीधे तौर पे मना भी नहीं किया है। उन्होंने उनका बहुत पुराना बयान है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा, फिर अभी फिलहाल उनका बयान अभी आना बाकी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज, शरद पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें तेज हुई। अजीत पवार से तीसरी मुलाकात ने बढ़ाई है संभावना। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति दलों में हलचल तेज हो रही है। कई दल ने अभियान के तहत अपना ताकत बढ़ाने में लगी हुई है, अपनी ताकत में इजाफा करना चाहते हैं। ताज़ा खबर महाराष्ट्र से आ रही, दरअसल अब ये एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, उसके बाद शरद पवार के भी आने की अटकलें तेज हो गई है। ये कयास तब से लगाए जा रहे थे जब से अजीत पवार शरद पवार के बीच पुणे में एक खास मुलाकात हुई है। दोस्तों एक मुलाकात उनके बिजनेसमैन के घर पे हुआ है, कारोबारी के घर पे, चाचा भतीजा दोनों सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं और उनको दो ऑफर दिया है। अब ये ऑफर मैं दिखा देता हूँ सीधा, ये मैं एक ट्रस्टेड वेबसाइट से है जहाँ पर उन्हें नीति आयोग का चेयरमैन बनाने का ऑफर दिया जाता है और केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए जाने का भी उनको ऑफर मिला है। वो पहले कृषि मंत्री रह भी चुके हैं, उनके पास काफ़ी लंबा अनुभव भी है राजनीति का। शरद पवार ने उस पर रिएक्शन जो दिया है, ये उनका जाना माना रिएक्शन है, वो कभी कहते नहीं हैं कि वो बीजेपी के साथ आएंगे या एनडीए के साथ। हालांकि अब ये एक तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाला समय इंडिया गठबंधन के लिए बेहद मुश्किल रहने वाला है और उनकी बेटी सुप्रिया सोले ने भी इस पर जवाब दिया है कि एनसीपी बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं जाएगी, पर कोई विधायक अगर जाना चाहे तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं। ये एक उनका सियासी दोनों पिता पुत्री का और ये भतीजे का रहता है महाराष्ट्र में, कभी कोई भी विधायक उनका किसी में चला जाता है, ये एक मिला जुला उनका फैमिली ड्रामा कह सकते हैं आप। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगर सब कुछ सही रहा तो शरद पवार एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे, आने वाले लोकसभा चुनाव वो हो सकता है कि एनडीए के साथ लड़े, आने वाले समय में उनको बड़ा मंत्री पद दिया जाए, कृषि मंत्रालय जैसा बड़ा पद, उसके बाद नीति आयोग का चेयरमैन अगर बनाते हैं, ये दो पद के साथ शायद शरद पवार संतुष्ट रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शरद पवार की भूमिका अभी कुछ खास तय नहीं हुई है और इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी ये सब लीड करते नजर आएंगे। नीतीश कुमार हिंडी पट्टी के नेता हैं
और भी कई नेता हैं तेजस्वी यादव, पर शरद पवार की अपनी अभी भूमिका कुछ खास तय नहीं हुई है। और बीजेपी की तरफ से ऑफर आ गया है कि उन्हें नीति आयोग का चेयरमैन और कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, तो हो सकता है कि इनका रिश्ता मोदी जी और अडानी से भी अच्छा है, तो हो सकता है कि ये सीधा NDA गठबंधन में शामिल हो जाए। दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों देख सकते हैं सब्सक्राइबर कितना कम है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो जरूर देखते हैं पर सब्सक्राइब भी कीजिए, किया कीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। फिलहाल शरद पवार की तो यही स्थिति है कि वो NDA गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है, और कांग्रेस ने भी इन पर आरोप लगाया। अब देखते हैं आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा इस मुद्दे पर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।